हल्द्वानी में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशालय में महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए राज्य के सभी महाविद्यालय में बेहतर शिक्षा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य के अंदर 25 मॉडल महाविद्यालयों को चुना जाएगा, जिनके लिए 172 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 21 डिग्री कॉलेज में IT लैब, कंप्यूटर लैब और वाचालय बनाए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड तमिलनाडु के पास था। साथ ही इस बार 67,000 छात्रों ने उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया है। उत्तराखंड के हर ब्लॉक में महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। 2024 तक प्रदेश के सभी महाविद्यालय बन जाएंगे, जिससे कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित ना रह सके। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अब हम उच्च शिक्षा में कर रहे हैं, पहले तो कर रहे हैं कि 25 मॉडल कॉलेज बना रहे हैं और उन मॉडल कॉलेजों को 172 करोड़ रुपये हमने भी दिए हैं। दूसरा, हम अपने प्रदेश के 81 डिग्री कॉलेजों में एक तो IT लैब बना रहे हैं, कंप्यूटर लैब बना रहे हैं, वाचनालय बना रहे हैं, ताकि बच्चों को जो है हर प्रकार से दक्षता वहाँ पे मिल जाए। तीसरा, हमें कर रहे हैं कि मैंने उच्च शिक्षा निदेशालय को ये कहा है कि एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक दीक्षांत और एक चुनाव, इस पे हमको जाना है। और मुझे बोलते बड़ी खुशी होगी कि इस बार प्रवेश हमारे एक ही हो गए और समर्थ पोर्टल के माध्यम से 67,000 बच्चों ने इस बार एडमिशन लिया है। ये देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ की इंटरमीडिएट पास होने के बाद 48% बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड तमिलनाडु का था, अब उत्तराखंड का हो गया है। सर्वाधिक बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण जो है हमारे राज्य में करते हैं। हमने प्रत्येक ब्लॉकों में अब कॉलेज खोल दिए हैं और अब जमीन भी जो 4-5 जगह जहां जमीन की दिक्कत हो रही थी वहां भी ज़मीनें मिल गई हैं। हम 2024 तक के चाहते हैं कि हर कॉलेज बनके तैयार हो जाए और कोई भी बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।